1929 में हिमालय की बर्फ की चादरों के बीच में दो साइंटिस्ट ने मिलकर एक ऐसी कहानी की शुरुआत करी थी जो आप और हम आज तक सुनते तो आ रहे हैं लेकिन ये नहीं जानते कि कहानी आई तो आई कहां से। वेलकम जी, यू आर लिसनिंग टू द 13th कहानी ऑफ स्टोरीज। मेरा नाम है जस्टिन जोसेफ और हमारी आज की इस कहानी का नाम है मेथोकागमी चैप्टर 1। 1929 में अमेरिका और आइसलैंड के दो साइंटिस्ट जोनाथन और फेबुची एक साइंटिफिक स्टडी के लिए हिमालय के पर्वतों की तरफ आ रहे थे। देखो, बात बड़ी सिंपल सी थी। पहले के कोई साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ ऐसा तरीका निकाला था कि माउंटेन का स्नो देखकर अपन लोग ग्लेशियर मोमेंट्स का पता लगा सकते हैं, ऐसा कुछ तो भी था। एनी हाउ, इस स्टडी को सही प्रूफ करने के लिए और इसे अपने एक प्रोजेक्ट में यूज करने का इन दोनों का प्लान था। इंडिया पहुंचते ही साथ मोहन करके एक ट्रांसलेटर को हायर किया गया ताकि वो जिस गांव की तरफ जा रहे थे वहां आपस में बातचीत वगैरह हो सके। अच्छा, इन दोनों के साथ में एक डॉक्टर जनाब भी आए थे क्योंकि द एक्सपेरिमेंट वाज अबाउट टू बी कंडक्टेड इन द फ्रीजिंग माउंटेन्स ऑफ हिमालयस, तो भैया वहां पे कुछ गड़बड़ हो जाए तो कोई संभालने वाला होना चाहिए। एनी हाउ, 4 दिन के ट्रिप के बाद ये लोग फाइनली उस गांव पहुंचे जहां से इनको अपनी ट्रेकिंग शुरू करनी थी और हमारी ये कहानी यहां पे शुरू होती है। गांव के लोग बड़े वेलकमिंग थे। अब वहां पहुंचने के बाद वहां के जो चीफ थे उन्होंने इन दोनों को जरा अपने पास बुलाया और आने की कोई खास वजह पूछी। तब उन लोगों ने वो ट्रैकिंग वगैरह के बारे में बताया। सुनते ही साथ चीफ ने कहा कि एक काम करो, अगले महीने आप लोग चले जाओ क्योंकि इस बार ना बर्फ बहुत गिरी है। जोनाथन फेबुची को देखता है लेकिन फेबुची कह देता है आई एम सॉरी, पर ट्रिप पोस्टपोन नहीं हो पाएगी। चीफ दोबारा से मना करते हैं। फेबुची जो है वो दोबारा मना कर देता है, उनके गांव के 2-3 लोगों को साथ चलने का ऑफर भी देता है, पैसे भी खूब दे रहा होता है जस्ट फॉर द सेफ कीपिंग क्योंकि वो लोग वहां के लोकल्स थे, उनको रास्ता अच्छे से पता है, लेकिन कोई भी उनके साथ चलने के लिए रेडी नहीं होता। फेबुची चाहे अपने पैसे कितने भी बढ़ा ले, गांव वालों का जवाब नहीं बदलता। शायद अपने गांव के चीफ की बात के अगेंस्ट जाना वॉज नॉट राइट फॉर देम। अगले दिन सुबह फेबुची, जोनाथन, डॉक्टर, मोहन चारों के चारों उस ट्रैक को शुरू करते हैं। कुछ माउंटेन्स को सिलेक्ट किया गया था इस एक्सपेरिमेंट के लिए। फाइनली 1-2 घंटे के बाद वो लोग अपने किसी डिजायर्ड डेस्टिनेशन स्पॉट पे पहुंचते हैं। जोनाथन और फेबुची अपना काम शुरू करते हैं और मोहन और जो डॉक्टर होता है वो वहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। शाम होती है, अगले 7 दिनों तक इसी काम को रिपीट किया जाता है। अब हर दिन काम करते करते जोनाथन जो है वो एक बात ऑब्जर्व करना शुरू करता है कि पहले दिन से फेबुची जो था वो वहाँ की साइंटिफिक रीडिंग से ज़्यादा लोकेशन पे बड़ा फोकस था। उसको मैग्नेटिक पुल की रीडिंग जो उनका मेन काम था उससे ज़्यादा इस बात पे मतलब था कि पहाड़ों की ऊंचाई कितनी है। यार, पहाड़ों की ऊंचाई में 19-20 का फर्क था और उनका एक्सपेरिमेंट इस बात से ज़्यादा रिलेटेड भी नहीं था। बट स्टिल, अब 7वें-8वें दिन की बात है भैया, जोनाथन अपनी खुशी कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि उनकी रीडिंग्स वेर मैचिंग देयर प्रेडिक्शन, यानी कि उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेस था, इट वाज लाइक 90% कंफर्म्ड। भाई वो खुशी के मारे जोर से अपना फेबुची को हक करता है लेकिन फेबुची बीइंग अ लीडर अभी तक कंटेंटेड नहीं हुआ था, जैसे अभी भी वो कुछ और ढूंढ रहा था। एक्सपेरिमेंट जो था वो अभी भी बाकी था, ये कहानी अभी भी बाकी थी। एनी हाउ, उस एक्सपेरिमेंट को कन्फर्म करने के लिए अभी एटलीस्ट 5 और रीडिंग्स उनको लेनी थी। सिंपल भाषा में 5 और दिन। भाई हर दिन आते हैं, एक्सपेरिमेंट लेते हैं और जो उन्होंने प्रिडिक्ट किया था वही चीज़ें निकल के आती हैं। 3रे दिन जब वो लोग पहाड़ से वापस लौट रहे थे तो तेज हवा के बीच में पीछे से मोहन की एक आवाज़ आती है चिल्लाती हुई, सर द डॉक्टर इज मिसिंग। वो तीनों के तीनों वापस पीछे की तरफ जाते हैं, खूब चिल्ला चिल्ला कर डॉक्टर को आवाज़ लगाते हैं लेकिन कहीं पे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। इतने में मोहन थोड़े टाइम के ढूंढने के बाद तुरंत बोल पड़ता है, सर हमको ना नीचे जाना चाहिए और गांव वालों से जाकर मदद मांगनी चाहिए क्योंकि अगर गलती से रात हो गई तो हम भी नहीं पहुँच पाएंगे। दोनों के दोनों इस बात से एग्री करते हैं, तुरंत नीचे पहुँचा जाता है और ये पूरी की पूरी जो दुविधा थी ये गाँव वालों को बताकर उनसे मदद मांगी जाती है। जैसे ये बात गांव के चीफ तक पहुंचती है सबसे पहले डांटता है, मना किया था तुम लोगों को वहां पे जाने से,
तुरंत पांच पांच की टीम बनाई जाती है, आपस में एक दूसरे को रस्सी से बांधा जाता है, हाथों में जलती हुई मशाले ली जाती हैं, एंड द सर्च वॉज रेडी टू बिगिन। चीफ दोनों को साफ साफ बोल देता है, देखो कोशिश पूरी करेंगे लेकिन वहां से बच के वापस आ पाना। मोहन इस बात को दोनों को ट्रांसलेट करके बताते हैं, एंड द सर्च बिगिंस। पूरी की पूरी रात ढूंढा जाता है लेकिन डॉक्टर नहीं मिलता। जब अगले पांच दिनों तक ढूंढने के बाद भी डॉक्टर नहीं मिलता तो रोज ऐसे अपनी जान को रिस्क करता हुआ गांव वालों को देखता है फेबूची। वो चीफ के पास जाके कहता है, देखिए आप ना सर्च जो है वो रोक दीजिए, रहने दीजिए। मोहन जैसे ही इस बात को ट्रांसलेट करता है, चीफ तुरंत इंटरप्ट करता है, नहीं नहीं अभी तीन दिन बचे हुए हैं, अभी तीन दिन तक और हम ढूंढेंगे, अभी तीन दिन तक उम्मीद है। मोहन इस तीन दिन की बात को ट्रांसलेट करके इन दोनों को समझाता है, और जब वो लोग गांव वालों की तरफ देखते हैं तो वो जैसे कि एक दिलासा देते हुए उन दोनों की तरफ देखते हैं, अभी रुक जाओ अभी टाइम है। दोबारा से सर्च को शुरू किया जाता है। सिक्स्थ डे कुछ नहीं मिलता, लेकिन सेवेंथ डे की शाम को एक सर्च पार्टी की आवाज आती है। डॉक्टर एक जिंदा लाश की तरह पहाड़ों में पड़ा हुआ मिला था। डॉक्टर को तुरंत पहाड़ से नीचे गांव की तरफ लाया जाता है। वहां की जो लोकल जड़ी बूटियां होती हैं और उनके जो लोकल मेथड्स होते हैं उन सबसे उनका इलाज करना शुरू किया जाता है। चार दिन तक ये जनाब पूरी तरह से बस बेहोश पड़े हुए थे, बट फाइनली ऑन द फिफ्थ मॉर्निंग एक उम्मीद की किरण आती है। जब डॉक्टर अपनी आंख खोल के देखता है तो कमरे में सिर्फ एक इंसान होता है, फेबूची। उनसे उनका हाल वाल पूछता है। इतने में गांव वालों तक खबर पहुंच जाती है। तुरंत गांव के चीफ जो है वो वहां पहुंचते हैं और मोहन की मदद से वो डॉक्टर के साथ कुछ सवाल जवाब करते हैं और थोड़े टाइम के बाद उठ के चले जाते हैं। जोनाथन को समझ में नहीं आता, पूछते कि क्या बात क्या कर रहे थे। मोहन कहते हैं, नथिंग नथिंग, ही इज सजेस्टिंग इट कुड हैव बीन एन आइसोलेटेड बेयर अटैक इन द माउंटेन्स। नो ही डिडंट, फेबूची तुरंत इंटरप्ट करता है। ही वॉज नॉट सेइंग इट वॉज अ बेयर, वॉज ही? एक मिनट, ये फेबूची को कैसे पता कि उसने क्या बोला क्या नहीं बोला? एंड व्हाट डज ही मीन बाय कि अगले ने भालू नहीं बोला था करके? उसको कैसे पता? मोहन ट्रांसलेटर है ना, ये कहानी भटकने वाली है क्या? पता चलेगा इन द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द चैप्टर 2 ऑफ मेदोकार्नी, जो मेरी प्रोफाइल पे अगले 48 आवर्स के अंदर आने वाला है। तो तब तक आपको सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटी संभाल के रखनी है। स्टे ट्यून्ड विद माई प्रोफाइल एंड दैट्स इट।